साढ़े तीन महीने से वहां पर दंगे चल रहे हैं, औरतों का रेप हो रहा है, नंगे फिरा रहे हैं, तो मोदी चुप्पी साधे और ऊपर से वहां देश के साथ हमारे लोगों को सताना, हमारे लोगों को बर्बाद करना, उनको जेलों में भेजना, ये काम वो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ब खुद। का प्रधानमंत्री साढ़े तीन महीने से वहां पर दंगे चल रहे हैं, औरतों का रेप हो रहा है, नंगे फिरा रहे हैं, तो मोदी चुप्पी साधे और ऊपर से वहां भी यही कहते हैं कांग्रेस ये काम कर रही है, कांग्रेस देश को डिवाइड कर रही है, राहुल गांधी ये कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनके सपने में भी राहुल गांधी आते हैं। अरे राहुल गांधी इतनों एक काम करके बताया, 4000 किलोमीटर पैदल चल के भारत जोड़ो का काम उन्होंने किया। आप लोगों ने देखा है यहां से भी गुजरी, मध्य प्रदेश से भी लोग कैसे जुड़े, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर उनका भरोसा है, इसीलिए तो वो भारत जोड़ो यशस्वी हुआ। वो काम करे तो भी कांग्रेस को टीका करते रहे बीजेपी वाले, और भ्रष्टाचार के बारे में तो बोले, वहां पर तो कर्नाटक में 40% थी और यहां कितना परसेंट है। कितना देखो, हम तो 40% को हटा दिए, आप कमलनाथ जी आप 50% वालों को धक्का देना है, हटाना है, और सभी लोग आप बोलेंगे भाई वो कमलनाथ जी को ही बोले, खड़गे साहब हमारे को नहीं बोले बोलेंगे, तो आपको ही बोल रहा हूं, आपकी शक्ति उनके पीछे रहना चाहिए या साथ में रहना चाहिए। मैं एक हम तो किसी के खिलाफ किसी को बदला लेने का नहीं सोचते, हम हमेशा सबको अच्छा करते हुए आए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब एक बात कहे थे, बदला लेने की नहीं बदलाव लाने की जरूरत है। ये ऐसा हमको किसी से हम बदलाव नहीं, उनको हम कोई द्वेष दृष्टि से नहीं देखेंगे, लेकिन वो छोड़ रहे नहीं हमारा पीछे, द्वेष के साथ हमारे लोगों को सताना, हमारे लोगों को बर्बाद करना, उनको जेलों में भेजना, ये काम वो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ब खुद आप उनको सिखाएंगे। और जब नवंबर में हमारी सरकार आएगी तब कुछ फिर उनको भी ये मुश्किल होगा, अरे हमने नो तो इतने सताया, हमारा क्या होगा बोल के वो लोग शायद यहाँ छोड़कर दिल्ली गिल्ली या बम्बई जाके बैठेंगे, क्योंकि उनको भी डर होता, लेकिन हम डराने वाले नहीं और डरने वाले भी नहीं, ये हमारा ये है। और दूसरी चीज, आज मध्य प्रदेश को बदनाम करने की काम यहाँ के बीजेपी और चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। बहुत से घटनाएं यहां पर घड़ी और मुझे भी मालूम है कि कौन क्या करता, क्योंकि मैं 27 साल मिनिस्टर रहा, 10 साल अपोजिशन लीडर रहा, 4 साल कांग्रेस अध्यक्ष रहा, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से यहां तक आया हूं, वो सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का मेरे पर मेहरबानी है, और आपने वोट दिया, चुन के लाया, इसीलिए यहां पर ठहरा हूं अपनी बात रखने के लिए।
और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पैकेज, इसके लिए राहुल गांधी कोशिश किए। कोशिश करने के बाद उस पैकेज को किस ढंग से उसका उपयोग होना था ये बीजेपी सरकार नहीं करी, और नहीं करने के वजह से और भी थोड़ा पीछे गए। और पैकेज जब देते हैं, अरे उसको ठीक ढंग से लागू करना यहाँ काम उनका है, और जो दिया हुआ पैसा भी अगर ठीक ढंग से खर्च नहीं होता तो ये समझिए कि इनको लोगों के हिफाजत में, लोगों के भलाई में उनको कोई आशा नहीं। तो इसलिए भाइयों, मैं यही आपसे गुजारिश करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये जो अंधेरी नगरी चौपट राजा है यहाँ, इसमें आज क्यास राज है, कमीशन राज है, घोटाला राज है, लूटपाट, लूटपाट हो गई। ये प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। तरक्की करेगा तो कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही तरक्की करेगा, बीजेपी से नहीं होगा। और मैं आपसे ये फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश की सरकार आई कांग्रेस की, कमलनाथ जी उसके मुख्यमंत्री बने, किसान कर्ज मुक्त होंगे और एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा। मैं वायदा कर रहा हूं, फिर मेरे को बीच में मत छोड़ो। एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 500 रुपए में मिलेगा, महिलाओं को 1500 हर महीना मिलेगा। महिला तो खुश होना चाहिए, हाथ उठाइए। ठीक है, 1500 रुपए देने का वायदा हम कर रहे हैं, और पैसा हमारे पास आ गया तो और बढ़ा देंगे आगे। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये सभी चीजें हम आपके लिए करेंगे। और ये जो कांग्रेस सत्ता पर आने वाले कुछ वायदे हम किए हैं, और अध्यक्ष के तौर पर मैं आपसे वायदा करता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम जाति जनगणना का भी कराएंगे। ये जाति जनगणना करने से मालूम होगा इसमें कौन से तबके के लोग गरीब हैं, पिछड़े हैं, लैंडलेस है, अशिक्षित है, ये सब बाहर आएगा। इसीलिए ये हम करके रहेंगे। क्या मणि पटेल करेंगे? तो एक चीज हम करके रहेंगे, इसीलिए तो हम यहाँ पर एक बैकवर्ड क्लास के नौजवान को वर्किंग कमेटी मेंबर बनाए। पहले जो वर्किंग कमेटी में सिर्फ एक बैकवर्ड का आदमी था, इस बार हमने 6 बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को वर्किंग कमेटी में ली। शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 3 थे, इस बार हमने फिर 5 किया है। यानी जो सोनिया जी वायदा किए थे, राहुल जी वायदा किए थे, उसको निभाने का काम मैंने किया है आपके दुआ से। तो ये करते रहेंगे, पार्टी के लिए हम जो करना है वो करते।